देखिए हम मछली बनाने आज जा रहे हैं। ये रोहू मछली है। इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पिसा हुआ ये जो सरसों मसाला और थोड़ा सा उसमें मीट मसाला पीसे हैं, धनिया धनिया पीसे हैं, जीरा पीसे हैं, लहसुन प्याज ये सारे मसाले हमने पीस लिए हैं। थोड़ा सा एक चम्मच इसमें डाले हैं और हल्दी पाउडर, और इसको मिला के इसको आइए तलते हैं। ये देखिए मैंने मसाला ये मिला दिए हैं। अब हम तलने के लिए गैस को ऑन कर दिए हैं, कढ़ाई रख दिए हैं, उसमें उसमें तेल हम डालेंगे। आइए तेल डालते हैं। तेल गरम हो जाएगा तब उसमें हम फिश डालेंगे। मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई है, इसमें मसाला में सरसों भी पीसे हैं हम। तेज आंच पे घुमाना करे ना तो कुछ टूटने लगेगा आपका। हल्दी को हम इसको निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तल आ चुका है। अब इसको निकाल देते हैं। ऐसे ही बाकी सब डाल देते हैं। इसको भी ऐसे तल के निकाल के पूरा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फिश तल के पूरा तैयार हो चुका है। आइए अब देखें कैसे बनता है इसको। अब देखिए उसी तेल में मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मेथी डालूंगी, देखिए मेथी हमारा जल गया है। अब उसको डालेंगे मसाले को। ये मैंने मसाला वाला पानी डाल देती हूँ। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें मैं खड़ा लाल मिर्च पीसी हूँ, लेकिन फिर भी इसमें कलर आने के लिए अच्छा कलर आता है इससे डाल दी हूँ एक चम्मच। अब इसको अच्छे से धीमे आंच पे इसको मसाले को अच्छे से भूने। मसाले को आप जितना भूनेंगे उतना आपका मछली बनके खूब अच्छा तैयार होगा। अब इसको चलाते हुए भूने।
आप इसको लगभग खूब ज़्यादा भूनें, जितना ही भूनेंगे उतना ही अच्छा मछली बनकर तैयार होगा। इसमें हम अब एक मीडियम टमाटर डालते हैं कटा हुआ बारीक, इसको अच्छे से चला के मिलाएं, ये गल जाए उसमें। ये देखिए मसाला मेरा भून के तैयार हो गया, मसाला तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ मसाला, ये देखिए तब ऐसा मसाला भूने तब मछली का स्वाद खा के देखिए कि मछली कितना अच्छा बन के तैयार है। अगर आप ऐसा मसाला भूनेंगे तो मछली इतना टेस्टी बनेगा कि हम आपको क्या बताएं, बहुत अच्छा बनता है। मसाला जितना ही भूनेंगे उतना ही मछली आपका अच्छा बनेगा। आइए इसमें मैं अब पानी डालती हूँ, इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डाली हूँ। आप देख सकते हैं अब ये जब खोलेगा तब इसमें मैं मछली डालूंगी और आपको मैं दिखाऊंगी। आइए इसमें मैं अब नमक डाल देती हूँ, ये देखिए 1 चम्मच, ये छोटा चम्मच है, 2, ये समझे 2.5 चम्मच। इसको मिक्स कर देती हूँ, अब इसको खोलने देती हूँ। ये देखिए उबलने लगा, अब इसमें मैं फिश डाल देती हूँ। अब मैं गैस को कम कर देती हूँ, अब इसको ढक के पकाएंगे, पूरा नहीं ढकेंगे थोड़ा खुला रखेंगे। आइए देखिए बन के तैयार हो चुका है। अब मैं धनिया पत्ती डाल देती हूँ, अब ढक देती हूँ उसको, गैस को बंद कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा रुको, आपको दिखा आयु आइए आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये फिश कैसा बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मछली बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।